सिलेंडर यहाँ बनाए गए हैं, न उनके पास खच्चर है, न गाड़ी है, न कोई गोती है। बताओ वेंडर तो उसको कहते हैं कि जिसके पास कोई गाड़ी हो, जिसके पास कोई खच्चर हो। यहाँ ये लोगों को पीसा गया है, लोगों के साथ जुल्म हुआ है। रोड हमारा रोड जिसमें सुना गया है कि 21 लाख उसमें पैसा आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर मैं ये वीडियो साहब से खुसूसन गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मौके पर आकर अपनी टीम लेकर गाड़ी लेकर वहाँ उस पर चेक करें कि इस पर गाड़ी चल सकती है या नहीं। अगर 21 लाख रुपए वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो उसका हमें हिसाब होना चाहिए। यह है कि यहाँ हर पंचायत का जो मेन इंस्टीट्यूशन होता है वो पंचायत घर है जी। यहाँ की बदकिस्मती यह है यहाँ पंचायत घर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा शेड बना हुआ है, एक छोटा सा रूम बना हुआ है, इसकी भी चाबी सरपंच ने कहीं अपने पास रखी हुई, जिसकी वजह से हमें किसी के घर में घुसना पड़ा, वहाँ पे बातचीत करनी पड़ी आवाम के साथ। ये बड़ी बदकिस्मती की बात जी। सरपंच और पंचों पे रहे कि जो भी यहाँ पे आया, आपकी मुलाजिम आता है उसको वो प्रेशर में लाकर, दबाव में लाकर वो ऐसा ही करते हैं कि आज उन्होंने ऐसा किया। हमारे शाहिद बिलाल साहब जो यहाँ आए हैं, सीनियर है क्योंकि ईमानदार आदमी है, और आज तीसरी दफा पांच चक्कर इन्होंने पंचायत में लगाए, ना कोई पंचायत कोरम का कोई बेंच आया, ना कोई सरपंच यहाँ पे उनके साथ में हमने हमारी नजर में आया। क्योंकि मैं बार बार पांच चक्कर में शाहिद बिलाल साहब के साथ रहा, मगर मैंने सरपंच को अभी तक यहाँ मौजूद नहीं देखा। एक्चुअली हमने ऑलरेडी एक नोटिस इशू की थी 13 नवंबर 2022, एक ग्राम सभा होने वाली थी GPDP की, जो एनुअल एक्शन प्लान हमने बनवाया था। तो रात को बात हुई, सरपंच साहब ने सीधा बाइकआउट किया प्लान बनाने से। तो हमारे समझ में ये नहीं आया क्योंकि फिर बाद में पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि जो करंट ईयर है उसका भी प्लान नहीं चल रहा है, तो हमें पहले वो करना है, उसके बाद हम नया प्लान शुरू करें जी। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक ग्राम सभा हुई थी, क्या वहाँ पे वो लोग वहाँ पे आए थे जो PRIs है यहाँ पर, कितना कॉपरेट करते हैं, क्योंकि आप भी नए हैं, एक महीना आपको टोटल यहाँ पे हुआ, कितना कॉपरेट आपको उनकी तरफ से मिला अभी तक? देखिए अभी तक एक महीना, लगभग डेढ़ महीना मुझे यहाँ पे हुआ इस पंचायत में, तो मैंने सिर्फ एक ही वार्ड पंच को यहाँ पाया, बाकी तो किसी को नहीं पाया। सरपंच को भी मैंने टेलीफोनिकली काफ़ी दो चार बार कहा चलिए पंचायत में चलते हैं, थोड़ा ग्राम सभा में आप आ जाइए। इससे पहले हमने नशा मुक्त अभियान चलाया, उसमें सरपंच साहब को हमने बुलाया, पर उन्हें वो गैर हाजिर रहे। इसके अलावा आज दूसरा प्लान हमारा था सरपंच साहब के साथ, मगर वो आज भी गैर हाजिर रहे, तो उसके साथ सारे पंचेस भी गैर हाजिर थे। तो एज ए सेक्रेटरी आप क्या कहेंगे, आज भी आप आए यहाँ पर, किसी घर में आपको बैठना पड़ा जो कि हमारा एक शेड है वो भी बंद है, उसके बाद यहाँ पर जो हालत है इस पंचायत की, तो उसके बारे में थोड़ा आप तफसील बताइए। देखिए बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ हर पंचायत का जो मेन इंस्टीट्यूशन होता है वो पंचायत घर है जी। यहाँ की बदकिस्मती यह है यहाँ पंचायत घर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा शेड बना हुआ है, एक छोटा सा रूम बना हुआ है, इसकी भी चाबी सरपंच ने कहीं अपने पास रखी हुई, जिसकी वजह से हमें किसी के घर में घुसना पड़ा, वहाँ पे बातचीत करनी पड़ी आवाम के साथ। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जी। मैं यही कहूँगा कि 10 दिन से पहले उन्होंने मतलब ग्रुप में डाला हुआ था कि मतलब रोटी बदलना, 20 सितंबर को यहाँ पर ग्राम सभा होने वाली है, सेक्रेटरी पंचायत JRS और पंचायत हजरात या बैच हजरात सरपंच साहब बाकी लोगों को भी मुतल्लक किया गया, जिसमें सेक्रेटरी साहब ने मैंने रात को भी पढ़ा उसमें व्हाट्सएप पर कि लोगों से भी मेरी अपील है कि लोग भी यहाँ पर ग्राम सभा में शिरकत करें। तो मैं इसका यही बोलूँ कि सरपंच साहब को शायद यह महसूस हुआ कि वहाँ पर लोग जो हैं पुराने कामों का हिसाब लेंगे, क्योंकि रोती पादरना में जो भी पुराने काम, जो भी यानी 14 FCs हैं वगैरह, यानी 14 FCs वगैरह काम जो भी हैं ग्राउंड लेवल पर हमें नज़र नहीं आए। लाइब्रेरी का है, कंप्यूटर का बोल रहे हैं वो कंप्यूटर हमने देखा नहीं अभी तक पंचायत में किस जगह पर है। लाइब्रेरी जो है उसका भी हमें पता नहीं कहाँ पर है। तीसरी चीज़ ये है कि जो लाइटें हैं, खास करके मैं बात करूँगा सोलर लाइटें जहाँ तक इनका ताल्लुक है, सोलर लाइटें 2019-20 की प्लान में थी वो अभी तक नहीं आई है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब से ये इल्तिजा करता हूँ कि जब कहा जाता है कि मोदी साहब ने कहा, गवर्नर साहब ने कहा, जो ये पंचायत कोरम है, ये छोटी है, एक असेंबली है, गांव में जो भी मुश्किलात हैं वो हल कर सकें, PMAY जो मकानात हैं लोगों के, कुछ लोगों को एक एक किस्त दी गई लेकिन बाद में उनको प्लस्तर करवा के उनको जियो टैग नहीं, अभी तक नहीं हुआ। मैं ये
मोदबाना गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन डोडा गवर्नर साहब से कि गरीब लोगों को हक यानी हक का इंसाफ दिलाया जाए। और दूसरी बात, मैं ज्योति पदना का नंबरदार हूँ, हमें आवाम के साथ हर वक्त जुड़ के रहना चाहिए क्योंकि यह हमारा अवलिन फर्ज है। और सबसे मतलब एक और बात मैं कहूँगा कि जो रोड हामरा रोड जिसमें सुना गया है कि 21 लाख उसमें पैसा आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर मैं ये वीडियो साहब से खुसूसन गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मौके पर आकर अपनी टीम लेकर गाड़ी लेकर वहाँ उस पर चेक करें कि इस पर गाड़ी चल सकती है या नहीं। अगर 21 लाख रुपए वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो उसका हमें हिसाब होना चाहिए। और कितने हद तक वहाँ पर जेई साहब ने या जितने भी लोग हैं उन्होंने पैसा वहाँ पर निकाला है, किस बुनियाद पर निकाला गया है। अगर 21 लाख रुपये काफ़ी होता है पंचायत में, 21 लाख सुन के इंसान मतलब काफ़ी काम होता है, हद तक बाइकाट का तलब है। उन्होंने सरपंच साहब ने और अपने कोरम को लेकर पंचायत मतलब यहाँ पर लोगों को बुलाकर इजलास में ये बात उठानी थी कि 2022-23 का प्लान अभी उसका काम नहीं हुआ, लेकिन लोगों में मिलजुल कर यह फैसला होना था कि शायद मैं ये कहना चाहूँ कि लोग भी इसमें मुतमिन होते। लेकिन अगर बात उन्होंने बाइकाट किया, लेकिन हमें ये भी सुना कि रात के 11 बजे उन्होंने व्हाट्सएप किया कि हम बाइकाट मेमरान हजरा ने कहा कि हम बाइकाट करेंगे, लेकिन सरपंच साहब को लोगों के बीच में आकर ये फैसला लेना चाहिए क्योंकि लोग जब तक हमारे साथ लोग हैं हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर लोग हमारे साथ नहीं हैं तो हमारा जो होता है लोगों के जो भी काम हम कर सकते हैं वो लोगों की पावर से हम कर सकते हैं। और जो एक और मैं बात कहना चाहूँगा जो मुझे बोल गए थे, जो बाथरूम दो दिए गए थे वार्ड नंबर 3 में 1,80,000 मैंने सुना गया, ज़्यादा भी होंगे इसमें पैसा, लेकिन 1,80,000 के तहत जो बाथरूम दर्जगाह में हमारी जो एकेडमी है वहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर टाइलें भी लगी हैं, फीट भी बना हुआ है, उसमें टैंकी भी लगाई गई, लेकिन जो ये दो बाथरूम वार्ड नंबर 3 की मैं बात करूँगा मस्जिदों के लिए आए थे, लेकिन वो अभी तक हमने नहीं देखे। एक बाथरूम बनाया गया है लेकिन उस पर खाली दरवाजे, उसकी खिड़की मतलब नहीं लगे हैं अभी तक, उसमें टाइलें भी नहीं लगे, फीट भी नहीं लगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से इंतजार करते हैं कि अपनी टीम अगर ये मतलब अपनी टीम भेज कर इसकी वेरिफिकेशन करें अगर ये सही है या गलत। हमारा यही होगा कि जब तक हमारे साथ आवाम होगी हम भी आवाम के साथ, आवाम हम भी चुने हुए लोग हैं, हम भी आवाम के साथ, जो आवाम की मुश्किल है हम उनके साथ आवाम के साथ हैं, जो आवाम फैसला करेगी हम आवाम के साथ। मेरी वीडियो साहब से गुजारिश है कि आज तक जितने भी मटेरियल का पैसा बंद है वो पैसा बिल्कुल बंद रहना चाहिए, जब भी वो पैसा निकलने का टाइम आए तो आवाम को इतला दी जानी चाहिए। आवाम को मालूम है कि यहाँ पहाड़ी एरिया है, यहाँ कोई मटेरियल नहीं लगा है, चाहे जब मैं मानता हूँ अगर 15-20% मटेरियल लगा भी होगा तो वो खुद आवाम ने अपने कंधों पे पत्थर ढोकर, अपने बीवियों के सरों पे पत्थर ढोकर औरतों ने काम किया है और काम पे वो पत्थर लगाए हैं। यहाँ कोई गाड़ी आने का चांस नहीं है और जो भी वेंडर यहाँ बनाए गए हैं न उनके पास खच्चर है, न गाड़ी है, न कोई खोती है। बताओ वेंडर तो उसको कहते हैं कि जिसके पास कोई गाड़ी हो, जिसके पास कोई खच्चर हो। यहाँ ये लोगों को पीसा गया है, लोगों के साथ जुल्म हुआ है। हम LG मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और DC साहब हमें मालूम हुआ है कि जो हमारे DC साहब हैं इंशाल्लाह ताला वो जरूर एक्शन लेंगे और हमारी ये ख्वाहिश है कि जरूर एक्शन होना चाहिए। इन चोरों को गले से पकड़ कर घिसीड़ जाना चाहिए क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी साहब आज यहाँ पर आए हैं 2-3 बार उन्होंने एक्शन लिया है यहाँ से कि नहीं उसको यहाँ से निकाला जाना चाहिए, लेकिन आवाम की हमने ये अहद किया है कि जिस टाइम इन्हें यहाँ से निकलने का टाइम होगा हम रैली लेके LG मनोज सिन्हा जी तक पहुँचेंगे, इनको यहाँ पर आर्डर लेके ही रहेंगे। बाइकाट के बारे में ऐसा माहौल रहा है कि सरपंच और PNCO साहिबान का ये मुताला रहा है कि उनको उनके जितने भी घोटाले यहाँ पंचायत में थे हैं और लोगों को जितना इन्होंने दुख दिया है, क्योंकि PMGIAY जो है KS आज 3-3 साल से एक एक किस्त पे लोग तड़प रहे हैं और मकानों को दो साल से छत दिए हुए हैं, लोग मकानों में बैठे हुए हैं, आज भी उनको जेटवर्क नहीं करवा रहे हैं। सरपंच साहब और पंच साहिबानों ने ग्राम सेवक और GRS को दबाव में रख के उनको नहीं करवाए, उन्होंने बोला जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक ये
नहीं होने चाहिए। हमारी गुजारिश है कि वीडियो साहब से कि वो खुद मौके पे आकर लोगों के मकान देखकर उनको जियो टैग करके उनको पैसा वाहगुजार किया जाए, क्योंकि अगर सरपंच और पेंचू पे रहे कि जो भी यहाँ पे आया आप मुलाजिम आता है उसको वो प्रेशर में लाकर दबाव में लाकर वो ऐसा ही करते हैं कि आज उन्होंने ऐसा किया। हमारे शाहिद बिलाल साहब जो यहाँ आए हैं सीनियर है क्योंकि ईमानदार आदमी है और आज तीसरी दफा पांच चक्कर इन्होंने पंचायत में लगाए, ना कोई पंचायत कोरम का कोई बेंच आया ना कोई सरपंच यहाँ पे उनके साथ में हमने हमारी नज़र में आया, क्योंकि मैं बार बार पाँच चक्कर में शाहिद बिलाल साहब के साथ रहा मगर मैंने सरपंच को अभी तक यहाँ मौजूद नहीं देखा। इसीलिए नहीं देखा क्योंकि अगर वो आते तो उनको आमने सामने लोग बोलते थे आपने क्या किया हमारे साथ और क्या हो रहा है यहाँ पे गरीब लोगों को मकान के केस। अगर यहाँ वीडियो साहब खुद इलाके को देख नजर मारने आए तो नजरसानी करें तो वो लोग ऐसे भी लोग हैं जिनके मकान गिरने को तैयार है। मौसम आगे जो सर्दी का आ रहा है पता नहीं कितने मकान कितने लोग मकानों के नीचे दब भी सकते हैं कि कहीं उस रोड के बारे में मैंने पहले भी वीडियो साहब भी यहाँ आए मैम साहब आए थे उन्होंने मौका भी देखा था मगर हमने उस पर कोई कार्रवाई का अभी तक एक्शन कोई नहीं देखा क्योंकि वीडियो साहब ने भी शायद जी साहब पे कोई एक्शन नहीं किया या ठेकेदार पे कोई एक्शन नहीं किया। क्योंकि जब हमने बार बार ठेकेदार और सरपंच को उस वक्त तंग किया तो उस वक्त उनका यही वादा रहा कि ये रोड जो है हमरा देवनी है मगर आखिरकार उसको हमरा ही में ही खत्म कर दिया पैसा कि 20-22 लाख का पैसा था उसमें तो 20-22 लाख उन्होंने सिर्फ एक किलोमीटर में ही खत्म कर दिया। आखिरकार उस रोड में चलने की ऐसी हालात है मेरे ख्याल में वीडियो साहब खुद मौके पे आकर उन्होंने देखा मगर उसमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ खच्चर चलने का कोई चांस नहीं है। गाड़ियों का तो सवाल ही नहीं होता है, खच्चर चलाने भी मुश्किल बेलचे साथ लेके खच्चर चलाने पड़ते हैं मगर बार बार हमने उस वक्त जेई साहब को भी रिक्वेस्ट की, मैंने फोन पर भी समीर साहब से ये बात की थी कि आप बार बार आके रोड को खराब कर रहे हैं रोड को आप देखें मगर बार बार वो फैसला अभी तक उन्होंने उसको ठुकराया, उन्होंने बोला ये रोड ऐसे ही होती है। आखिरकार जब तक वो उन्होंने आपने सिर्फ हमारे सरपंच का मैंने सरपंच साहब से बात ये फोन पे की थी उनका जवाब यह रहा मैंने कि हमने सिर्फ पंच के घर तक उसको रोड को पहुंचाना था हमने देवनी वालों को रोड नहीं पहुंचा के देना था मगर पंच जो है उसका चाचे भाई का लड़का है तो उसकी वजह उसने उस पंच के घर तक पहुंचे मगर वहां तक भी गाड़ी जाने का कोई सोर्स ही नहीं है चांस नहीं है मगर वीडियो साहब ने वो मौका खुद भी देखा है मगर उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं ठेकेदार पे हुई नहीं सरपंच पे हुई नहीं उस जेई साहब पे हुई जिसने वहाँ उसको बिल बनाकर पैसा निकाला ठेकेदार को क्योंकि हमने उनको बार बार फोन पे भी इतला दी सरपंच साहब ने बोला कि नहीं आज नहीं कल आज नहीं कल और इस हफ्ते के आखिर में हमने उस सरपंच साहब से बात की उन्होंने बोला कि ये जब तक आप सेंटर पैसा नहीं भेज सकती तब तक ये रोड आगे नहीं जा सकता। हमारी गुजारिश है कि आप देवनी के लिए जो ये डुगा डुगा से देवनी के लिए रोड जा रहा है बेहतर है उसको भी बंद करें क्योंकि पहले जो रोड निकाला 22 लाख में आप 5 लाख या 10 लाख में वो रोड कहाँ जा सकती है। इसलिए हमारी तरफ से गुजारिश है बीडीओ साहब से एसीडी साहब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो उस रोड को तब तक टेंडर उस काम को टेंडर मत करें जब तक देवनी हमरा और देवनी रोड को टच ना करें तब तक डुगा और देवनी रोड को मत कागज क्योंकि देवनी वालों को टारगेट किया जा रहा है हमरा से भी और डुगा से भी मगर देवनी वाले बार बार तड़पता रहे क्योंकि नजरअंदाज हो रहे हैं कि फायदा उठाने वाले पैसे खाने वाले पैसे खा लेते हैं और हम बेचारे जो है देवनी वाले लोग गरीब हवा में वो बात नहीं कर सकती है कोई बोल नहीं सकता है जो बोलने वाला उसको पहले ही दबाव में लाते हैं और कहते हैं नहीं जी ऐसे करें यहाँ उसको टारगेट में रखते हैं कि हाँ जी हम कर देंगे आखिरकार वो जब पैसा खत्म कर देते हैं उसके बाद कहते हैं नहीं। और दूसरी बात यह हुई उस रोड में प्रोटेक्शन का काम था दीवारों का काम था तो वो मैंने सुना था किसके किसी ठेकेदार के टंडर पे वहाँ पे कोई दीवार नहीं लगी है। मेरी अर्ज है फिर गुजारिश है वीडियो साहब से और एसीडीओ साहब से और डीसी साहब से कि वो खुद आकर मौके देखें कि उस रोड को कितनी दीवारें लगी और वो पैसा कहाँ गया। और तकरीबन 7 काम भी जमीनी लेवल पर नहीं हुआ है जितने प्लान बनाए गए हैं उनको जो हम यहाँ प्लान बनाते थे उसको रात वहाँ काट कर अपनी मर्जी से प्लान रखे गए थे और वो भी अपनी मर्जी से बनाए गए। यहाँ एक पार्क बनाई गई, पार्क बनाने के बाद उसका डंगा दिया गया 5 लाख रुपये उसका बिल निकला 76,500 उसका मटेरियल निकला उसके बाद वो डंगा गिरा कर न जाने उसको क्या किया गया पार्क नहीं मौजूद नहीं। हमारे यहाँ एक दो मस्जिदें थी जो महिला मस्जिदें हैं तो इसमें दोनों में बाथरूम रखे गए। सुनने में आया है कि दोनों मस्जिदों के बाथरूम के 1,80,000 1,80,000 के हिसाब से पैसे निकाले गए मौके पर कोई बाथरूम या कोई पसंद नहीं लगा। दूसरी चीज़ें जो है जो हमारी एक वैन निकली है हमारी
एक जो पदरना है जी जी वैन पदरना, उससे नीचे वैन निकली है, वैन निकाली गई है, वहाँ एक बोर्ड लगाया गया है, लेकिन एक महीने के अंदर वैन खत्म हो गई। सिमट जो उसमें लगाया गया था वो जनवरी फरवरी के महीने, जनवरी के महीने लगाया गया, वो भी काम ना के सुबह, कोई भी काम हमारे सामने मौजूद नहीं है।